श्लोक 30। कस्त्री होने के नाते अपने मखसूस धर्म को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से पढ़कर बेहतर क्रम कोई नहीं है, इसलिए हिचहिचाने की कोई जरूरत नहीं है। श्लोक 32। ये पारथ, इत्तफाक से होने वाली ये जंग स्वर्ग का खुला दरवाज़ा है। खुशकिस्मत है वो कस्त्री जिसके लड़ने का ऐसा मौका मिलता है। श्लोक 33। इस पर भी अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करेंगे तो तुम्हें यकीन अपने फर्ज के नज़रअंदाज करने का पाप लगेगा और ऐसे अपनी इज्जत को खो बैठोगे। श्लोक 34। जो लोग हमेशा तुम्हारी बुजदिली के चर्चे करेंगे, जबकि एक बाइज्जत शख्स के लिए लज़्ज़त सहने से मौत बेहतर है। श्लोक 35। मारथी अजीम सिपासलार जो तीसरे नाम की इज्जत करते हैं, समझते हैं कि अर्जुन डर के मारे मैदान जंग से भाग गया, और पहले जिन लोगों की नज़रों में तेरी वकूत और शोहरत थी, वे तुझे हकीर ख्याल करने लगेगी। श्लोक नंबर 36। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत से सख्त अल्फाज कहकर तुम्हारे जोर जोर का मजाक करेंगे, सोचो के उस वक्त तुम्हें कितना दुख होगा। श्लोक 37। एक कुंती के बेटे, तुम या तो लड़ाई में मरकर सुरग हासिल करोगे या फिर फतेयात होकर उस धरती के राज को हासिल करोगे। इसलिए जंग आजमाई के लिए पक्का इरादा करके खड़े हो जाओ। श्लोक 38। तुम सुख दुख, नफ़े नुकसान और फतेह व सेक्स को यकसा समझकर बगैर किसी दूसरे ख्याल के जंग करो। ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। श्लोक 39। मैंने अब तक तुम्हें तजर्बियाती मतालिया सांख्य के ज़रिए ये ज्ञान बताया है। सुनो, अब मैं अपने निष्काम कर्म के ज़रिए तुम्हें बताऊंगा। हे प्रथा के बेटे, अगर तुम ऐसे ज्ञान से काम करोगे तो खुद को कर्मों के बंधन से आज़ाद कर सकोगे। श्लोक 40। उस कोशिश में ना तो नुकसान होता है और ना ही किस हुई, बल्कि इस राह पर थोड़ी सी भी तरक्की पड़े खौफ से बचा सकती है।